10,000 रुपये के इनामी बदमाश के लिए हटा रजपुरा और मगरौन थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस आरोपी को पकड़े जाने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों पिकनिक मनाने के लिए 4 युवतियां गई थीं, जहां इस आरोपी ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर इनके मोबाइल लूट लिए थे, गले की चैन और नकदी लूट ली थी। आज जब यह पकड़ा गया तो पुलिस ने इसके कब्जे से 1 कट्टा, 3 कारतूस और नगद राशि बरामद की है। इसे पकड़े जाने में जिस तरह से 3 थानों की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और पकड़ने में सफलता हासिल की, उसको लेकर SDOP वीरेंद्र बहादुर सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 8 फरवरी की बात है, बटेरा के कुछ बच्चे बच्ची हैं पिकनिक मनाने के उद्देश्य से खड़ेरा माता के मंदिर के स्थान पर गए थे। उसी समय 2 मोटरसाइकिल अज्ञात व्यक्ति उन बच्चा और बच्चियों के साथ, उनके साथ जो मोबाइल थे, उनका नकदी था, उनका जेवर था, वो खुद छीन लिए थे। दुर्भाग्य से उसी समय गांव के कुछ लोगों ने देख लिया और वो दौड़े, तो जो आरोपी थे, आरोपी अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के भाग गए। वह मोटरसाइकिल के आधार पर यह बात पता लगी कि वह एक लड़ई नाम का एक अपराधी है, जो हटा का सातर चोर है। कई डकैती के मामले उसके पास हैं, लूट के मामले उसके नाम पर हैं, ऐसी लंबी फहरिस्त हुई। जब इस बात की जानकारी लगी कि लड़ाई इस घटना में शामिल है, तब और मामला और गंभीर हो गया, क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड अपराधी था। हमारे थाना प्रभारी मगरौन, थाना प्रभारी रजपुरा, थाना प्रभारी हटा, फतेहपुर चौकी प्रभारी नागेंद्र, इन सब लोगों ने मिल के एक टीम का गठन किया। अभी निकट भविष्य में जब उसको गिरफ्तार किया गया, उस समय हमारी जो पार्टी थी जिसने उसे गिरफ्तार किया, जैसे सूचना मिली थी, उसमें सुंदर उसका नेतृत्व कर रहे थे, महेंद्र थे उनके साथ में, सत्येंद्र थे पीछे, हमारे भी लड़के जो खड़े थे, सारे के सारे लड़के उस टीम में शामिल थे। महत्वपूर्ण बात यह हुई कि जब उसे गिरफ्तार करने पुलिस पार्टी पहुंची मौके पर, उस व्यक्ति के पास जो घटना घटित करते समय जो कट्टा था, उसका वो कट्टा लिया था, देसी कट्टा था, लोड था, मतलब एक कलेजे का काम था जो टीम का नेतृत्व कर रहे थे महेंद्र और हमारे सुंदर जितने आरक्षक और थे, उसने उस कट्टे को उनके ऊपर तान दिया और उन्हें जान से मारने के लिए प्रयास किया। उन्होंने निर्भीकता से, निडरता से और साहस के साथ परिचय दिया और उस व्यक्ति को खूब गिरा दिया। सादर अपराधी है, इसके नाम पर लूट, डकैती, चोरी के अनेक अपराध, लंबे समय से फरार था। पुलिस अधीक्षक ने 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था, आज पुलिस की गिरफ्त में आ गया।